कोरोना वायरस, इससे सब लोग अपने अपने तरीके से निपट रहे हैं। कोई मास्क पहनकर तो कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर खुद को इसकी चपेट में आने से बचा रहे हैं। जिनको शक होता है कि उनके शरीर में कोरोना जैसे लक्षण हैं, वे अपना टेस्ट कराकर क्वारंटाइन केंद्र में चले जाते हैं। इन सब के बीच देश में 1 करोड़ से ज्यादा ट्रकों को दौड़ाने वाले ड्राइवर भी है। ये खुद को कोरोना से बचा रहे हैं। इनके पास न तो मास्क है, न ही सैनिटाइजर जैसा कोई आइटम। कोरोना वायरस, इससे सब लोग अपने अपने तरीके से निपट रहे हैं। कोई मास्क पहनकर तो कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर खुद को इसकी चपेट में आने से बचा रहा है। जिनको शक होता है कि उनके शरीर में कोरोना जैसे लक्षण हैं, वे अपना टेस्ट करवाकर क्वारंटीन केंद्र में चले गए हैं। इन सब के बीच देश में 1 करोड़ से ज्यादा ट्रकों को दौड़ाने वाले ड्राइवर भी है, ये भी खुद को कोरोना से बचा रहे हैं। इनके पास ना तो मास्क है, ना ही सैनिटाइजर जैसा कोई आइटम। ये ड्राइवर हर 50 किलोमीटर पर ट्रक रोकते हैं और साबुन से मुंह हाथ धोते हैं। देश की सप्लाई चेन बाधित ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए लोग छुट्टी भी नहीं ले रहे हैं। सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन कर ट्रक ड्राइवर कोरोना वायरस को बाय बाय कह रहे हैं। वाड़ी में करीबन 1000 ट्रक चालक परेशानी में है। उन्हें खाना मिलना भी मुश्किल हो गया है। कुछ चालक ट्रक में खाना पकाकर भूख को मिटा रहे हैं, लेकिन दुकानें बंद होने से उन्हें खाने का सामान भी मिलना मुश्किल हो गया है। अभी दुकान खुला है, लेकिन ड्राइवर के पास पैसे नहीं है। होटल ढाबा ही एकमात्र खाने का केंद्र है, लेकिन वाड़ी में सभी लॉकडाउन की वजह से वहाँ भी बंद है। इस कारण वाहन चालकों को भूखे रहने की नौबत आ रही है। वाड़ी के सड़कों पर ट्रकों की कतार लगी है। 1000 चालक दुविधा में फंसे हैं। ट्रक चालकों को खाना नसीब नहीं हो रहा है। स्थिति और कुछ दिन ऐसी ही रही तो चालकों को बड़ी मुश्किल होने की जानकारी चालक ने दी है। तकलीफ तो यही है भाई साहब कि हम लोग आए 19 तारीख से आया हुआ हूँ, न गाड़ी भरा है, न कुछ किया, ये हड़ताल चालू ऐसा हो गया है। हम लोग किधर जा भी नहीं सकते हैं, और उसके बाद हम लोग के पास पैसा भी नहीं है। कोई राशन मिलता है, मिलता था अभी 2 दिन से, हम लोग को राशन दुकान खुल रहा है राशन का, वो मिलता है, वही हम लोग थोड़ा बहुत लाते हैं, वो खिचड़ी खिचड़ी पकाते हैं, वही हम लोग खा के रहते हैं। और 19 तारीख से आज इतना तारीख हो गया है, अभी कुछ अनुभव नहीं मिलता है। परमिशन मांगता हूँ तो वो भी नहीं मिलता है, परमिशन देंगे लेकिन बॉम्बे के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। आपको जो करना है आप अपने रिक्स पर जाओ, तो हम लोग रिस्क पर जाएंगे तो मार खाना पड़ेगा, पुलिस आगे भी पकड़ेगी। अब पड़े हैं, क्या करेंगे, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पुलिस वाले का यही कहना है भाई साहब, हम अपने रिस्क पर हम नहीं दे सकता हूँ परमिशन, यहाँ का सिटी का दे सकता हूँ, लेकिन हमें बॉम्बे के लिए लम्बे के लिए हम परमिशन नहीं दे सकते। प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ कि भाई हम लोग को कोई सुविधा कोई चीज़ हो तो अपना सुविधा दे, और कोई सुविधा मिल भी नहीं रहा है। माइक में बोलता है खाना मिलेगा, और शाम को हम लोग इंतजार किया, खाना मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला हम लोग को। बस यही है कि बस आसरा मिला है, शाम को ऑर्डर दे दिया कि चलो तुम लोग गाड़ी पर आना, खाना मिलेगा शाम को 7 बजे 8 बजे। हम लोग 7-8 बजे हम लोग इंतजार किए, नहीं मिला कुछ, तो हम लोग जो रुका सूखा था बनाए बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं है। खुराकी कहाँ, अभी कौन सा, हम लोग बनाते खाते थे, पैसा था बनाते खाते हैं, जब तक पैसे ही नहीं है तो कहाँ करेंगे। ट्रांसपोर्ट वाला तो बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट वाले के एक गाड़ी थोड़ी ना है, 50 गाड़ी है तो कहाँ कितने आदमी को देगा। पी रहा है, मांग क्या है, अब क्या मैं मांगू, जो सबकी गत होगी वही अपनी भी गत है, मैं अकेला क्या मांग सकता हूँ आपसे। भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के संस्थापक नरेंद्र मिश्रा ने हिंगना विधानसभा के विधायक समीर जी मेघे को इस बात की जानकारी दी। समीर मेघे ने जानकारी मिलते ही ड्राइवरों को भोजन की व्यवस्था तुरंत करा दी। मेघे ने नागपुर के गुरुद्वारा से दोपहर 12:30 बजे भोजन मंगवा कर वाड़ी MIDC टी पॉइंट में बांटना शुरू किया। उसके बाद वाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने TCI पेट्रोल पंप के पास कैलाश पेट्रोल पंप वर्धामना ट्रक पार्किंग से बांटा गया। समीर मेघे ने कहा जरूरतमंदों को भोजन दिया जाएगा। मुख्य रूप से पूर्व उपाध्यक्ष नरेश चरडे, नगर सेवक राकेश मिश्रा, सुनील पांडे, राकेश अग्रवाल उपस्थित थे। कल हमारे वाड़ी के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बहुत सारे पदाधिकारी का फोन आया था, मिश्रा जी है उन लोगों का भी, पांडे जी है, अग्रवाल जी, ये सब लोगों का फ़ोन आया था कि यहाँ पे काफ़ी
मात्रा में बाहर के ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगाने के बाद जो गुरुद्वारा में जो नागपुर में लंगर चल रहे हैं, मैं उनसे बात किया और उन्होंने आज 100-150 लोगों का खाना यहाँ भेजा है। हमें आनंद है कि इन सब के माध्यम से जो गरीब लोग यहाँ फंसे हुए उन लोगों को खाना देने का काम हम आज से शुरू कर रहे हैं और जब तक के ये लोग फंसे रहेंगे तब तक के हम लोग खाना देने का काम करेंगे। हिगना विधानसभा के हमारे विधायक माननीय श्री समीर जी मेघे को हमने शाम को फ़ोन किया कि सर यहाँ पे आपके विधानसभा के अंतर्गत में जो भी गाड़ियाँ खड़े हैं बाहर के परदेशी मजदूर लेबर हैं, कम से कम 1.5 से 2 हज़ार लोग फंसे हुए हैं जिसका हम लोगों ने 4 दिन से पहले भी खाना देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने कल विधायक जी को फ़ोन किया, विधायक जी ने बोले हर संभव मदद करेंगे हम, जो हमारे विधानसभा के अंतर्गत में खड़े हैं लोग परदेशी लोग सबकी मदद करेंगे। उन्होंने लंगर से बात की गुरुद्वारे में और हमारे साथ में सुनील पांडे जी जो अपने ट्रांसपोर्ट फ्रेंड एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, राकेश अग्रवाल जी हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रहलाद अग्रवाल जी हैं, भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के संस्थापक होने के नाते हमने इतनी बड़ी जवाबदारी उठा रहा हूँ, एक विधायक जी के संपर्क से जनप्रतिनिधियों को फ़ोन किया, वाली के नगर अध्यक्ष को फ़ोन किया, हमने ऐसा किसी को नहीं छोड़ा जिसको हमने फ़ोन ना किया हूँ। आज देश हमारे संकट की घड़ी से गुजर रहा है, आज हमारी रीढ़ की हड्डी मानने जाने वाली ट्रक एसोसिएशन है, आज हमारे मोदी जी बोलते हैं ट्रक इंडस्ट्रीज एक ऐसी है जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, आज एक दूसरे से दूसरे प्रदेश में ले जाने वाले हमारे वो हैं। तो आज हम भाइयों के लिए खाना का प्रबंध हम लोग करा रहे हैं, हमारे विधायक जी ने बोले हैं कि जब तक ये आपातकालीन स्थिति रहेगी जब तक हमें खाना प्रोवाइड करेंगे अपने नागपुर शहर के अंदर में वाड़ी वर्धामना के अंतर्गत, ये विधायक जी का आश्वासन पूरा हम लोगों को है। आज विधायक जी ने खाना भी ला के दिलवाए और सामने भी खाना बांट रहे हैं माननीय समीर जी मैके जी ने, उनका हम लोगों ने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि हम लोगों की इस तरह से हर संभव मदद करने का प्रयास जारी रखेंगे। NBCN के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।